मध्य प्रदेश की राजनीति में विधायकों द्वारा दल बदलने का सिलसिला तेजी से जारी है। वहीं उपचुनाव से पहले शुक्रवार को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। लोधी के बाद बुरहानपुर की नेपा नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक रही सुमित्रा काजदेकर ने भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई। एक सप्ताह में दूसरी बार घटे इस घटनाक्रम पर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने जहां इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या और खरीद फरोख्त बताया, वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस के अंदर टूटन करार दिया। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। दरअसल सिंधिया ने सुमित्रा देवी के इस निर्णय को सही बताया है। सिंधिया ने ट्विटर के माध्यम से सुमित्रा देवी को बधाई दी है। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक श्रीमती सुमित्रा काजदेकर जी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी परिवार में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं। एक और विधायक द्वारा प्रदेश हित में लिया गया सही निर्णय। वही एमपी बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि अच्छा हुआ कि @OfficeOfNath सरकार जल्दी विदा हो गई। वही बीजेपी ने ट्वीट कर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा, जिसने लिखा कि जिनसे अपना घर ही नहीं संभल पा रहा वो ना जाने प्रदेश का क्या हाल करते, फिर से तय था बंटाधार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विधायक के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए क्यों उनके विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उनके नेताओं का कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। बता दें कि शुक्रवार को बुरहानपुर के नेपा नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी काजदेकर ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से विधायक रहे प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद बीजेपी ने भी लोधी को तोहफा के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी के साथ अब 26 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं जिन पर उपचुनाव होना है। सूत्रों के अनुसार ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि निमाड़ अंचल से दो और विधायक फिलहाल बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।